सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाइस, टेक वर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अल्फा पोस्ट करना सिखाऊंगा। ये देखिए मेरा सॉलिड 6141 सेटअप है। अब मैंने इसको हार्ड बूट कर लिया है, पेन ड्राइव लगाई है सेटअप बॉक्स में, और इसको एक बार ऑफ करके ऊपर ओके का बटन प्रेस करना है। ये हार्ड बूट अपने आप ले लेगा। देखिएगा, अपग्रेड मेन कोड लोडर इरेजिंग फ्लैश, ये हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए और डिसलाइक भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा, उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और नए नए सॉफ्टवेयर की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इस सॉफ्टवेयर में ये अल्फा बॉक्स सॉफ्टवेयर है तो पुराना, लेकिन सॉलिड 6141 के लिए नया है, बस थोड़ा सा नया है और इसके लिए ही बात चल रही है। ये देखिए अपग्रेड मेन कोड लोडर इरेजिंग फ्लैश हो रहा है। अपग्रेडिंग मेन कोड लोडर इरेजिंग फ्लैश, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज मेरी वीडियो कंप्लीट वीडियो देखना। देखिए अल्फा बॉक्स डिजिटल हाई डेफिनेशन रिसीवर इंस्टॉल हो चुका है। देखिए इसमें रशियन लैंग्वेज में SD मेन्यू आ रहा है। पहले इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, इंग्लिश में आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको गो टू मेन्यू सेंटर होम में जाएंगे। देखिएगा इसमें अभी कोई डेटाबेस एम्प्टी, सारी कोई डेटाबेस नहीं, इसे डेटाबेस एम्प्टी दिखा रहा है। देखिएगा पहले IPTV इंस्टॉलेशन एडिट सेटिंग, इसमें आप जाना है नेटवर्क सेटअप। सबसे पहले हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, इसमें आप वाईफाई के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िग जा सकते हैं, और 3G नेटवर्क, GPRS नेटवर्क, USB नेटवर्क, इथरनेट नेटवर्क, ये तीन या चार प्रकार के नेटवर्क से आप अपना इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िग हमने पहले वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट किया है। कॉन्फ़िग में जाकर पहले हम अपने लोकल हॉटस्पॉट से अपना इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ, इसके अंदर हमें पेन ड्राइव लगानी है। ये देखिए पेन ड्राइव लगा दी, सॉरी डेटा कार्ड लगा दिया, ये कनेक्ट हो गया ऑटो लिंक करके। इसमें मुझे पासवर्ड डालना है। देखिएगा ये मेरा हॉटस्पॉट का पासवर्ड है। देखिए नेटवर्क कनेक्शन सक्सेस हो गया है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड वर्जन पे दिखता है। देखिए अल्फा बॉक्स X4SE 1016 6216 दिस दैट 3/3/2017 का ये बना हुआ है। नेटवर्क इसमें YouTube प्री इंस्टॉल्ड है। देखिएगा YouTube चल गया, YouTube में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मीडिया सेंटर है। एक्सेस कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल का पासवर्ड वही है 2778। खुल गया, सीसी कैम सी लैंड, सीसी कैम सी एफ जी,
इसमें हम आपका सी सी कैम वगैरह आप लाइन अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट कैम यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं, की एडिटर है, एम जी कैम लाइन है, ये देखिएगा इसके अंदर कॉन्स्टेंट सी डब्ल्यू, ये इसकी सॉफ्ट कैम है, इसके अंदर पावर व्यू बिस्की वगैरह आप डाल सकते हैं, बिस्की पावर व्यू जी एस कैम सेटअप है, ये इनका रशियन लैंग्वेज रशियन सर्वर है, दो शायद रशियन सर्वर है जिनके थ्रू ये रशियन चैनल वगैरह देखते हैं। अपग्रेड ऑनलाइन के अंदर देखा, ये पहले सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, डेटा बेस ये फ्रेमवेयर है एल्फा पॉक्स एक्स समथिंग करके पहले लिखा हुआ है जो कि न्यू सॉफ्टवेयर है, फिक्स इज माई बी रिस्टार्ट प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की गई है, ये 23/3/2017 का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका फिक्स यूट्यूब प्रॉब्लम एड्रेस आई पी टी वी आइकन वगैरह दिया गया है। थर्ड नंबर है एल्फा बॉक्स एक्स फोर ई वर्जन 6.11, इसमें भी कई सारी जो बक्स हैं वो रिमूव करे गए हैं, बक्स इशू है वो फिक्स करे गए हैं। देखिएगा हमें कौन सा करना है, हमें सबसे नंबर वन वाला करना है, अब हम अपग्रेड करेंगे। देखिएगा ये देखिएगा इसके सेटिंग वगैरह है, फ्रेमवेयर पर आ गए हम, फ्रेमवेयर पर हमने पहला वाला वर्जन इसे अपग्रेड करना है। ठीक है चलो चलते हैं, इसमें आईपीटीवी भी है, आईपीटीवी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा चलते हैं अपना सेटिंग की तरफ, चलते हैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड नेट अपग्रेड। नेट अपग्रेड में हम पहला वाला सॉफ्टवेयर करेंगे एल्फा बॉक्स जो कि 12/4/2017 में हुआ है, एक सेकंड में अब सेकंड अपडेट 13 ये तो 17 का और सबसे चलते हैं। देखिएगा पहले फिक्स यूट्यूब इसके अंदर वर्जन 1 ये देखिएगा न्यू सॉफ्टवेयर वर्जन इन एफटीपी सर्वर एल्फा बॉक्स एक्स फोर एसिस वर्जन 170.4.2 आपका वर्जन था, ये एस बिल्ड 3/3/2017 का हमारा करंट वर्जन है, अब नया वर्जन होगा एक्स फोर एस सी वर्जन 170.4.12। देखिएगा इसमें लिखा हुआ इज अवेलेबल फॉर अपडेटिंग टू यू विश टू अपडेट, इसमें हमें यस करना पड़ेगा अगर हम इसको अपडेट करना चाहते हैं नेट से। देखा मैंने नेट से अपडेट करने के लिए मैंने यस कर दिया है, अभी डाउनलोडिंग हो रहा है, 8 MB का सॉफ्टवेयर है ये, अब अपडेट हो रहा है धीरे धीरे अपडेट होगा ये। अब बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखिएगा ये तो है अपडेट न्यू सॉफ्टवेयर फ्लैश हो रहा है। सब चीज पहले की तरह ही है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर, जो इश्यू थे बस थे वो ठीक हो चुके हैं, आईपीटीवी MP3U सपोर्ट करने लगा है, वॉल्यूम प्लस माइनस डाउन हो चुका है, आईपीटीवी का जो रजिस्टर प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, ये सारी प्रॉब्लम जो इस सॉफ्टवेयर में सॉल्व हो चुकी है, देखिए सब पहले की तरह है, इसमें भी इंग्लिश करनी पड़ेगी लैंग्वेज, सब कुछ वही है, आईपीटीवी इंस्टॉलेशन एडिट सेटिंग नेटवर्क सब कुछ वही है जैसे पहला था, बस थोड़ा सा अपडेट हुआ है, जो बग्स थे वो सब देखिए, सब फर्स्ट वर्जन देखिए सॉफ्टवेयर कौन सा है इसके अंदर, अल्फा एसिस वर्जन 2.0 फ्रेमवेयर ये है, बिल्ड डेट का इतना इतना है, मैक एड्रेस इतना इतना है, मैक एड्रेस हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस है, हमने देख लिया है। देखिएगा इंस्टॉलेशन सैटेलाइट लिस्ट सेम वैसे सब वहीं सैटेलाइट नहीं है, हॉटबेड वगैरह न्यू सर हमने हमने NSS 6 के लिए न्यू सैटेलाइट में रखी है 95.0 किया है। ठीक है। Thank you.
कंप्यूटर में कुछ नहीं है, कुछ अपग्रेड नहीं, सब फ्रेमवेयर सब अप टू डेट हो चुका है, नो डीबी डेटाबेस है, नो सॉफ्टकैम की, सॉफ्टकैम की में आप अपडेट कर सकते हैं, जो करंट करंट सॉफ्टकैम की है उसको अपडेट कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट सी डब्ल्यू है, रिप्लेस लिस्ट आई पी टी वी है, सब सेम है, वैसी कुछ नहीं है इनके अंदर, हमारा फुल्ली अप टू डेट हो चुका है 6141 अल्फा बॉक्स में, देखिएगा 8/2017 वर्जन डेट है रिप्लेस लिस्ट की, आई पी टी वी लिस्ट आपकी आई पी टी लिस्ट एम थ्री यू सपोर्ट कर लेगा, टी वी लिस्ट डॉट एम थ्री यू होनी चाहिए आपका एक्सटेंशन कोड, देखिए सेटिंग है इसकी। अब आशा करता हूँ आपकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जय हिंद जय भारत।